Hi friends, welcome to your channel DIY Home and Living. Today we are going to learn how to make paneer at home in just an hour. पनीर बनाने के लिए आप पहले 1 लीटर दूध ले लें और उसे उबलने के लिए स्टोव पर रख दें। अब इसे फाड़ने के लिए हम 1 नींबू का रस या फिर 5 टीस्पून विनेगर लेकर इस दूध को फाड़ सकते हैं। अब स्टोव को ऑफ कर दें, इससे बना हुआ पनीर बहुत सॉफ्ट रहेगा। अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे और उसके ऊपर मलमल का कपड़ा बिछा देंगे। अब हम इसमें फटा हुआ दूध डालकर छान लेंगे। अब हम इसकी एक पोटली बना लेंगे। ये पनीर आप पनीर पराठा, पनीर बटर मसाला, शाही पनीर या किसी भी पनीर की रेसिपी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट रखी है जिसके ऊपर उल्टी स्ट्रेनर रखा है और उसके ऊपर पनीर रख दिया है। अब इस पनीर की पोटली पर हम कोई वजन चीज रख देते हैं। मैंने ये आटे का डिब्बा रखा है। ये हैवी चीज हम इसलिए रखते हैं ताकि पनीर का पूरा पानी बाहर निकल आए। अब इसे 1 घंटा छोड़ दीजिए। देखिए ये पानी पनीर का कितना साफ है। ऐसा तभी होता है जब दूध सही तरीके से फटता है, वरना ये पानी थोड़ा मिल्की वाइट रहेगा। बाजार के पनीर से ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट और ताजा भी रहता है। देखिए ये तैयार है आपका पनीर। इसे निकाल के आप क्यूब्स में काट लीजिए। इस पनीर को स्टोर करने के लिए आप इसे किसी भी कंटेनर में डाल लें और उसमें पानी भरकर फ्रिज में 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू बी नोटिफाइड फॉर अ फ्यूचर वीडियोस। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना मत भूलिए। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए घर पर।